नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीपीसीटी नवंबर 2022 की तांडव बैच में। जैसा कि हम सभी लोग इससे पहले टोपोलॉजी और इंटरनेट नेटवर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट वर्किंग टूल के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम? इंटरनेट वर्किंग टूल। असल में इंटरनेट वर्किंग टूल होते क्या हैं? सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि जो इंटरनेट वर्किंग टूल होते हैं ये असल में होते क्या हैं। तो देखिए, टोपोलॉजी हो या फिर नेटवर्क हो, टोपोलॉजी हो या फिर नेटवर्क हो, जब ये दोनों चीज़ें आपस में काम करती हैं तो इनको काम करवाने के लिए कुछ टूलों की आवश्यकता होती है। टूल से हमारा तात्पर्य है कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो जो उपकरण इन दोनों कामों को करते हैं उन उपकरणों को क्या कहा जाता है? इंटरनेट वर्किंग टूल। जैसा कि इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से टूल हमारे आते हैं। इसमें हमारा आता है हब, हब के बाद इसमें जाता है हमारा स्विच, स्विच के बाद इसमें जाता है हमारा रिपीटर, रिपीटर के बाद इसमें जाता है हमारा राउटर। कुछ इस तरह के जो टूल्स होते हैं वो हमारे इसके अंतर्गत हमें यूज़ में आते हैं। तो ये भले ही छोटे छोटे नाम हो, भले ही इतनी इनकी उपयोगिता ना हो, पर सीपीसीटी के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे सीधा क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। एग्ज़ाम के किसी ना किसी सेट पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन सीधे देखने को मिल ही जाएंगे। तो आइए इन पे करते हैं एक बार विस्तार से हम लोग चर्चा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसकी? हब की। तो देखिए, हब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के उपकरणों को जोड़ने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा हब। अब देखो, हब में क्या होता है कि बहुत सारे जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क होते हैं वो नेटवर्क भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। हब से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा कहीं पे विकास हो जाना। जैसे मान के चलिए कि आईटी हब की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बेंगलोर में, ठीक है, क्योंकि उस जगह पे उन लोगों ने आईटी सेक्टर को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है कि वो एक हिसाब से उसका क्या बन गया? हब बन गया। यदि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है तो हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी का क्या है? हब है। अगर हमें नीट या आईआईटी की तैयारी करनी है तो हम कहाँ जाएंगे? कोटा, क्योंकि ये चीज़ क्या हो गई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हब कहा जाता है। तो हब में क्या होता है कि बहुत सारे जो नेटवर्क होते हैं वो आपस में आके जुड़ जाते हैं, दो या दो से अधिक नेटवर्क यहाँ पे आपस में आके जुड़ जाते हैं। इन सारे हबों में क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। इन हबों में क्या होता है? पोर्ट लगे हुए होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों का आदान प्रदान यहाँ से होता है। तो हब के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं कि देखिए, वह हब जो डाटा को सिर्फ मार्ग प्रदान करता है, जो डाटा को क्या देता है? सिर्फ मार्ग प्रदान करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? पैसिव हब। वो हमारा क्या कहलाता है? पैसिव हब कहलाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो हमारा पैसिव हब हो जाएगा। पैसिव के अलावा अगर वो डाटा को पहचान कर उसकी क्या करें? मॉनिटरिंग भी करें, उसकी क्या करें? मॉनिटरिंग भी करें, तो वो किस तरह का हब कहलाता है? हमारा इंटेलिजेंट हब। क्या कहलाता है? इंटेलिजेंट हब कहलाता है। इसके अलावा देखो, अगर वो डाटा को पहचान कर उसको पैकेट में बांट कर अगर उसको आगे प्रेषित करे तो वो किस तरह का हब हमारा कहलाता है? स्विच हब। क्या कहलाता है? वो हमारा स्विच हब। ठीक है, तो ये कितने हो गए? तीन तरह के हमारे हब यहाँ पे हो गए। हब इससे ज़्यादा कुछ भी आने वाला हब से नहीं है। ठीक है, तो हब हमने यहाँ पे इंटरनेट वर्किंग टूल में हब को हमने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया है। चलिए देखते हैं आगे हमारा कौन सा इंटरनेट वर्किंग टूल आने वाला है। हब के बाद आ जाएगा हमारा क्या? स्विच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्विच। तो असल में देखो, स्विच है क्या? असल में स्विच है एक हार्डवेयर। स्विच क्या है? असल में एक हार्डवेयर है। ठीक है, एक हार्डवेयर उपकरण है जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है, और उन नेटवर्कों को, उन नेटवर्क में से डाटा को क्या करता है? फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद ये उस डाटा को आगे क्या करता है? प्रेषित करता है। स्विच का काम क्या होता है कि डाटा को छांटना होता है, इसको फिल्टर करने का इसका काम होता है, और उसको फिल्टर करने के बाद आगे की ओर ये क्या कर देता है? प्रेषित कर देता है। कौन करता है आगे की ओर प्रेषित छांट कर? तो स्विच। ये क्या हो गया? हमारा स्विच नेटवर्क वर्किंग टूल हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हमारा आ जाएगा क्या? रिपीटर। क्या आ जाएगा आगे हमारा? रिपीटर। तो रिपीटर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि रिपीटर में क्या क्या होता है। तो देख लेते हैं कि रिपीटर का क्या काम है। तो कई बार क्या होता है कि नेटवर्क में
नेटवर्क के अंतर्गत जो हमारे डाटा होते हैं, डाटा संकेत जो होता है हमारा, उसको कई बार क्या होता है कि लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। लंबी दूरी तय करने से क्या होता है कि डाटा का हास होता है। डाटा का क्या होता है? हास होता है। तो उस हास को बचाने के लिए ही किसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है? रिपीटर नेटवर्किंग टूल का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। देखिए, रिपीटर का काम क्या होता है कि मान के चलिए कोई यहाँ से किसी एक निश्चित स्थान तक जा रहा है और वो बीच में ही कहीं पे थकने की उसकी संभावना, या उससे कहीं गुम होने की संभावना, या उसको कुछ क्षति पहुंचने की संभावना है, तो ये पीछे से उसका एक बैकअप होता है जो उसमें क्या करता है, एनर्जी डालता है और उसको फिर आगे की ओर वो प्रेषित कर देता है। सिंपल सा काम रिपीटर का यहाँ पे क्या होता है कि वो उसको आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, शक्ति देता है। जो डाटा बहुत लंबी दूरी तय करता है और उसमें उसके कहीं भी थोड़ी बहुत क्षति होने की संभावना होती है, तो वहाँ रिपीटर क्या करता है, उसको शक्ति देता है और वो अपने निश्चित स्थान तक डाटा पहुँच जाता है। ये क्या काम होता है रिपीटर का। रिपीटर के बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ब्रिज की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग इसमें, ब्रिज की। तो देखिए, ब्रिज का क्या काम होता है? वैसे तो नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग देखें तो ब्रिज का काम क्या होता है कि दो डाटाओं के बीच में अगर कोई सी बाधा आ गई है तो उस बाधा को दूर करने के लिए इस प्रकार से ब्रिज बनाने का काम ब्रिज का काम होता है। दोनों नेटवर्क माध्यमों को आपस में जोड़ने का काम क्या होता है, ब्रिज का होता है, ताकि नेटवर्क का जो आदान प्रदान है वो कहीं से भी क्या ना हो, बाधित ना हो। तो ये काम क्या होता है हमारे, ब्रिज का काम होता है। ठीक है, तो ब्रिज क्या करता है कि जो दो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, उन दोनों लोकल एरिया नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम ब्रिज करता है और डाटा की पहचान करता है और उसको उसी लेन में क्या करता है, वो आगे की ओर प्रेषित करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ब्रिज हो गया। ब्रिज के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, राउटर की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, राउटर की। तो देख लेते हैं कि राउटर में क्या होता है। तो जो राउटर का कार्य होता है कि देखो क्या होता है कि इंटरनेट पे जो डाटा होता है हमारा, वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में डाटा का क्या करता है, संचार करता है। यानी कि छोटे छोटे पैकेट बना दिए जाते हैं डाटा के, और उन छोटे छोटे पैकेट में जो होता है हमारा डाटा, आगे की ओर क्या होता है, प्रेषित किया जाता है। तो ये क्या करता है, राउटर का काम क्या होता है कि सबसे छोटे मार्ग को तथा सबसे तेज गति के मार्गों को क्या करता है, पहचानता है और उस मार्ग से हमारे डाटा को आगे की ओर लेके जाता है, जिससे हमारा जो डाटा है वो कम समय में उचित स्थान तक पहुँच जाता है। राउटर का काम ये होता है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का क्या होता है, एक मिश्रित कार्यवाही ये करता है। और ये किस पे होता है स्थापित, हमारा गेटवे पे। किस पे स्थापित होता है ये, हमारा गेटवे पे। गेटवे क्या होता है इसके बारे में भी अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। राउटर किस पे स्थापित होता है, हमारे गेटवे पे स्थापित होता है। तो राउटर क्या करता है कि अलग अलग टोपोलॉजी, संचार माध्यमों और नेटवर्कों का प्रयोग करके उनके बीच में डाटा का स्थानांतरण करता है। कौन करता है, राउटर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं किसको, गेटवे को। जैसे अभी हमने यहाँ पे शब्द लिखा था हमारा गेटवे, तो गेटवे के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो गेटवे को आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, भारत के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो हमारा आंसर फटाक से क्या जाएगा, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे, हमारा मुंबई में। और इंडिया गेट हमारा कहाँ पे है, तो वह कहाँ है, दिल्ली में। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में, उसको गेटवे ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, जबकि जो दिल्ली में उसको इंडिया गेट क्यों कहा जाता है? गेटवे कहने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न इसलिए है क्योंकि वो दो विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों को जोड़ता है। फिर से समझा देता हूँ, उसका जो एक सिरा है वो सतह की ओर है और उसका जो एक दरवाजा है वो जल की ओर है। ध्यान से देखा, क्योंकि वो समंदर के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ है। यदि आप इस तरफ देखेंगे तो पूरा समंदर है, और इस तरफ उसको देखेंगे तो वो क्या है, हमारा पूरी स्थलीय सतह है। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों को जो जोड़ता है, अलग अलग प्रकार के संचार माध्यमों को जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, गेटवे कहा जाता है। इसीलिए जो मुंबई में स्थापित गेट है उसको क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि जो दिल्ली में उसको क्या कहा जाता है, इंडिया गेट कहा जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक हमारा आंसर मिल गया कि विभिन्न प्रकार के संचार, विभिन्न अलग प्रकार के, दो अलग प्रकार के संचार माध्यमों को जोड़ने वाले नेटवर्क वर्किंग टूल को, नेटवर्क वर्किंग इंटरनेट वर्किंग टूल को क्या कहा जाता है, गेटवे कहा जाता है। तो ये क्या थे हमारे, कुछ खास इंटरनेट वर्किंग टूल थे, है ना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, और ऐसी ही हमारी वीडियो अभी एमएस ऑफिस की भी आने वाली है। एमएस वर्ड पे बहुत अच्छे तरीके से कार्य हमारा चल रहा है। अगले 1 या 2 दिन में एमएस वर्ड का जो वीडियो है वो हम आपके सामने ज़रूर पेश कर देंगे। और इस बार एमएस वर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चल रहा है, उस पर बहुत अच्छा वीडियो इस बार आने वाला है कि अगर एमएस वर्ड से एक भी क्वेश्चन आया तो आपका क्वेश्चन कटने वाला, आंसर आपका कटने वाला वहाँ से नहीं है।
ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बने रहना है, नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकॉन है उसको आपको प्रेस करना है, सिर्फ एक एक सब्सक्रिप्शन आपको देना है, जिससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सीधे आप तक आसानी से पहुंच जाती है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।